रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियों के बीच सियासत भी लगातार जारी। समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने कहा, निमंत्रण भगवान राम की तरफ से नहीं बल्कि बीजेपी की तरफ से है। प्राण प्रतिष्ठा का विरोध करने वालों को कांग्रेस के आचार्य प्रमोद कृष्णम ने बताया असुर। भगवान जब बुलाएंगे तो वो बीजेपी भी नहीं रोक पाएगी, तो इसका मतलब भगवान श्री राम जी की तरफ से नहीं है बुलावा, ये भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बुलावा है। राम का विरोध करता है वो तो असुर है, और असुरों को भारत में रहने का अधिकार नहीं है। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा पर AIUDF प्रमुख बदरुद्दीन अजमल का विवादास्पद बयान, बोले 20 से 26 जनवरी तक ट्रेनों में सफर ना करें मुसलमान। बदरुद्दीन अजमल जैसे लोग जो समाज में नफरत फैलाने का केवल काम करते हैं। चुनाव से पहले विपक्ष के गठबंधन INDIA में रार, कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी ने बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग, अखिलेश यादव ने राहुल की यात्रा से पहले सीट बंटवारा करने को कहा, सीट शेयरिंग पर मचे घमासान पर बीजेपी ने घेरा। उम्मीद है यात्रा से पहले उन्हीं सभी प्रदेशों की सीट का बंटवारा हो जाएगा। नेता का पता न नीति का पता न नीयत का पता, और हो रही उठापटक, तो देश ऐसे लोगों के साथ नहीं चलेगा। लोकसभा चुनाव की तैयारी पर कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बड़ी बैठक, गांधीनगर में गुजरात के सीएम और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के साथ करेंगे मंथन, आम चुनाव की तैयारियों की करेंगे समीक्षा। बंगाल के राज्यपाल ने TMC नेता शाहजहां शेख की गिरफ्तारी के दिए निर्देश, DGP से मामले की जांच कर रिपोर्ट सौंपने को कहा, बीजेपी का ममता सरकार पर हमला, ममता बनर्जी शाहजहां शेख को दे रही है संरक्षण। हिंसा और बायकॉट के बीच बांग्लादेश में चुनाव, वोट डालने के बाद पीएम शेख हसीना ने भारत को बताया भरोसेमंद दोस्त। इंडिया इज आवर बेस्ट फ्रेंड ड्यूरिंग आवर लिबरेशन वॉर, दे सपोर्टेड अस। महाकोश, कच्ची घानी सरसों तेल और रिफाइंड सोयाबीन ऑयल, चुनो सही। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, आमंत्रण को लेकर सियासी बहस और ज्यादा तीखी होती चली जा रही है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि निमंत्रण राम मंदिर की ओर से नहीं बल्कि बीजेपी की ओर से आया है, तो वहीं JDU ने भी आमंत्रण को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। और इस बीच कांग्रेस के नेताओं ने 15 जनवरी को सरयू नदी में स्नान का कार्यक्रम बनाया है। आस्था से भगवान बुलाते हैं तब लोग जाते हैं, जब अल्लाह बुलाता है, वाहे गुरु बुलाते हैं तो लोग जाते हैं, जब वो होगा तो जाएंगे। ठीक है, जिस तरह से सेलेक्टिव होकर के और सेलेक्टेड तरीके से लोगों को बुलाया जा रहा है, आमंत्रित किया जा रहा है, वो आपत्तिजनक। बीजेपी के लोग ये कह रहे हैं कि जिसके पास निमंत्रण होगा वही आएगा। हमारा पक्ष ये है कि भगवान जब बुलाएंगे तो वो बीजेपी भी नहीं रोक पाएगी, और अगर आपका हमारा किसी का मन करेगा आज भगवान की इच्छा है हमें देखने की, तो क्या हमें कोई रोक पाएगा? सर एक आखिरी क्वेश्चन, तो ये सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी कैसे तय कर सकती है किसको बुलाना है किसको नहीं बुलाना है।